हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का नौवां महीना लगते ही महिलाएं ये जानने को इच्छुक रहती है कि उनका शिशु उनकी गोद में कब आएगा। सभी महिलाओं को बस अपनी डिलीवरी के डेट का इंतजार रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से नौवे महीने में गर्भ के भीतर शिशु का विकास किस तरह होता है, कब शिशु जन्म के लिए पूरी तरह तैयार होता है, उसके बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, नौवे महीने में शिशु की स्थिति पूरी तरह बदल जाती है और सभी अंगों का विकास पूरा हो जाता है। शिशु का सिर बाहर निकलने वाली नली की तरफ घूम जाता है। इस महीने में शिशु में जो विकास हो चुका है उसमें परिपक्वता आने लगती है। इस महीने में शिशु में कोई विकास नहीं होता, शिशु केवल अपनी स्थिति बदलता है और माँ के शरीर से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जो शिशु को बाहर की दुनिया में रहने में मदद करेंगे। दोस्तों, इस महीने के तीसरे सप्ताह तक शिशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। गर्भनाल और प्लेसेंटा के द्वारा मिले पोषक तत्वों से शिशु में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, ताकि वो गर्भ के बाहर भी आसानी से रह सके। दोस्तों, नौवे महीने तक शिशु के सभी अंगों का विकास पूरा हो जाता है और शिशु जन्म के लिए तैयार हो जाता है। इस महीने में जन्मे शिशु पूरी तरह स्वस्थ और बाहर की दुनिया में आने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। नौवे महीने के अंत तक शिशु का वजन 3 से 3.5 किलो के बीच हो सकता है। एक बात और, नवजात शिशु का वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो तक हो सकता है जब वो जन्म लेता है, क्योंकि शिशु का वजन पूरी तरह महिला के खान पान और शरीर पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि नौवे महीने में शिशु का विकास और वजन कितना होता है और उसकी मूवमेंट किस तरह हो जाती है, ताकि वो जन्म लेने के लिए तैयार हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।